यहाँ पर आने का खास मकसद ये है व्यूअर्स कि यहाँ पर आप आसानी से अपना मकान किस्तों पे बना सकते हैं, प्लाट लें और अपना मकान किस्तों पे बनवाएं। आपके रेफरेंस से कोई भी आता है तो 10% हम उसको डिस्काउंट देते हैं। जिस गली में गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा घर बनता हुआ भी नजर आएगा, जो हम डिलीवर कर चुके हैं वो भी नजर आएंगे। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो हम आपको ऑफर करते हैं आज ही के रेट पे, हम आपको इंस्टॉलमेंट प्लान देते हैं कि आप 2 साल के अंदर पेमेंट कर दें। बैंक से लोन लेना है फिर हम घर की तामीर करेंगे, तो हमने सोचा कि हमारे ग्रुप ने सोचा कि हम ऐसा सिस्टम ना बना दें कि ये लोन से भी बच जाएं, लोन पे इंटरेस्ट देने से भी बच जाएं, और फिर जाहिर है अगर कोई सूद पे काम करता है वो अल्लाह और उसके नबी से जंग का मामला भी है। आप जब यहाँ पे आए तो इसका मकसद ये है कि हमारा काम बेस्ट है, वरना मुझे नहीं पता ना याद है कि किसी के पास आप ऐसे गए हों जिसका काम में थोड़ी सी 19-20 कंप्लेन हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्फ़ानी, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। व्यूवर्स, मैं आज MJM रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के पास मौजूद हूं। पीछे मेरे आप ऑफिस देख सकते हैं। यहां पर आने का खास मकसद ये है व्यूवर्स कि यहां पर आप आसानी से अपना मकान किस्तों पे बना सकते हैं, प्लाट लें और अपना मकान किस्तों पे बनवाएं। इसके लिए मन्नान साहब अंदर मौजूद हैं, MJM के जो सरपरस्त आला हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के मन्नान साहब से मुलाकात करते हैं और तमाम डिटेल आपके लिए शेयर करते हैं। आ जाए मेरे साहब। अस्सलामुअलैकुम मन्नान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का करम है। अच्छा व्यूअर्स, इनके पास भी टाइम का बहुत इशू था और बहुत मसरूफ चलते हैं माशाल्लाह से। मन्नान भाई, आप सुनाएं माशाल्लाह से कैसा चल रहा है आपका कारोबार इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा मन्नान भाई, यहाँ नॉट ऑन रेजिडेंसी फेज़ 1 में आपको GFS के साथ काम करते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन हो गया 1.5 साल हमें यहाँ पे। 1.5 साल में, उसमें क्या है, आप GFS के अथोराइज हैं? अथोराइज कॉन्ट्रेक्टर है, GFS ने सिर्फ यहाँ पे हमें अथोराइज किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो रेजिडेंशियल बेस पे ना कोई अथोराइज नहीं है। अच्छा, MJM को अथोराइज किया हुआ है GFS ने। अच्छा मन्नान भाई, थोड़ा सा जाती सा सवाल है, उसको आप माइंड नहीं कीजिएगा। यहाँ तो आप 1 साल से काम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही। तो इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया आप? इससे पहले हम MMR में काम करते थे, साइमा अरेबियन विला में, नया नाजमाबाद में हम काम करते रहे, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे जब हम यहाँ आए GFS में, इरफान भाई साहब से मिले तो उन्होंने हमें काम भी देखा हमारा, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस देख के फिर उन्होंने हमें ऑफर किया कि मैं आपको यहाँ पे अथोराइज करता हूँ, आप यहाँ काम कर सकते हैं। उन्होंने हमारे पे एक भरोसा किया, ठीक है, हमारे काम को देखा, काम देखा आपका, काम देखा, तो हमें ऑफर किया, हमने फिर यहाँ अपना एक सेटअप डाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये वो है ना यूनिफॉर्म सोसाइटी है, तो उसमें कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता होगा ना मेरे ख्याल में, वो एक ही स्टाइल से या एक कोई कॉन्ट्रैक्ट? साइमा अरेबियन विलाज में पहले वो बना के दे रहे थे, लेकिन जब सोसाइटी बढ़ती चली गई, काम उसके अंदर ज़्यादा होता गया, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को इजाज़त दे दी कि वो प्राइवेट तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ ऐसा कोई सिस्टम आज भी नहीं है कि वो कोई किसी को ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, प्राइवेटली तौर पर आप कुछ भी वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, उनके ही मेथड पे काम करना है, जिस तरह उनका बना हुआ है उसी तरह बना रहे हैं। वहाँ पे F ब्लॉक है, C और D ब्लॉक के अंदर आप काम कर सकते हैं। मुख्तसर ये है कि आपने उनका जो एक पैटर्न है, एक स्टाइल था, उसी को फॉलो करते हुए, तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। उसी को फॉलो, इवन यही नहीं, नया नाजमाबाद में भी ऐसा ही है कि जो उनका पैटर्न है उसी पे आप काम करो, वो भी यूनिफॉर्म सोसाइटी। अच्छा, MMR के अंदर बड़ी हमें, हम ये बोलते हैं फैसिलिटी है, खुल के काम करने का हमें मौका मिलता है कि हम अपनी मर्जी से, क्लाइंट की मर्जी से काम कर सकते हैं। नॉर्थ टाउन में भी ऐसा ही है, नॉर्थ टाउन में आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम करें, बिल्डर को कोई एतराज नहीं, इसलिए कस्टमर जैसा बनवाना चाहे। इस तरह के कामों में ना हमें भी सीखने का मौका मिलता है। सही है। अब मिसाल ले लें, मैंने साइमा के अंदर 50 बंगलो बनाए, एक ही पैटर्न पे मुझे सीखने का मौका नहीं मिला, नॉर्थ टाउन में आए हमें खुद सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल, जो ये सीखने का अमल है ना, तो ये एक मौत तक जारी रहता है। हाँ बिल्कुल, आप 1 साल से आप यहाँ पर कर रहे हैं काम, तो 1 साल में आपने, अब तक जो आपने कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर फेज 1 में बना दिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किए हैं, काउंटिंग तो शायद आपको ना बता सकूं,
लेकिन जिस गली में गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा घर बनता हुआ भी नजर आएगा, अच्छा, जो हम डिलीवर कर चुके हैं वो भी नजर आएंगे। तो कॉन्टेक्ट एग्जैक्ट फिगर जो है ना शायद मैं भी ना बता सकूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस गली से आप गुजरेंगे तो MGM ने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी, एक सहूलत आप बहुत अच्छी दे रहे हैं अपने, लोग खरीद लेते हैं जाहिर है इंस्टॉलमेंट पे, वही लोग मकान जगह लेते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़ी मुश्किलों से किस्तें अदा करके उसके बाद, और फिर उसके बाद एक उनके लिए पहाड़ जैसा मरहला होता है मकान बनाना, सबसे मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम। तो आपका क्या तरीक़ेकार क्या है, किस तरह बनाते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरा प्लाट है इस पर मकान बनाना है, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका यह है कि आपकी रेंज है आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है जिस ये 8300 प्लॉट है तकरीबन फेज वन के अंदर, ऐसा नहीं है कि हर एक की गुंजाइश नहीं है, लोग कैश में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो हम आपको ऑफर करते हैं आज ही के रेट पे, हम आपको इंस्टॉलमेंट प्लान देते हैं कि आप 2 साल के अंदर पेमेंट कर दें। ये एक चीज ध्यान में रखें, ये हर एक के लिए ऑफर नहीं है, ठीक है, ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम कर यूँ रहे हैं कि हम लोगों को बचाना चाहते हैं सूद से, ठीक है। लोग हमारे पास आते थे, बोलते थे कि जी आप जो है बैंक से लोन लेना है फिर हम घर की तामीर करेंगे, तो हमने सोचा कि हमारे ग्रुप ने सोचा कि हम ऐसा सिस्टम ना बना दें कि ये लोन से भी बच जाएं, लोन पे इंटरेस्ट देने से भी बच जाएं, और फिर जाहिर है अगर कोई सूद पे काम करता है वो अल्लाह और उसके नबी से जंग का मामला भी है। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया, हमारी बसात में ये था कि हम ऐसा कर दें कि लोगों को इंटरेस्ट से बचा के एक अपना किरदार अदा करें कि लोग अपने घर में आ जाए बगैर किसी सूद के। बहुत ज़बरदस्त, अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी, आपके कारोबार में इसीलिए अल्लाह ताला बरकत दे रहा है कि आपने दूसरों के लिए ना सिर्फ दूसरों के लिए सोचा बल्कि ये कि आपने इस बहुत ही सेंसिटिव मसला है ये सूद का। बिल्कुल, बहुत है, लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। ये बहुत सेंसिटिव है, समझ की बात होती है। तो आपने जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए, एक अपना भी तो होता है ना, अपनी भी एक बात होती है कि यार मैंने ये आला जो बनाया था ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें कोई एग्जाम्पल बताएं जो देखें आपको... बात क्या है, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात ना, हम सीखते हैं रोजाना। हमने जब पहला घर बनाया तो जब दूसरा बनाया तो हमने कंपेयर किया, पहले से अच्छा था, ठीक है, ठीक है, आज तक ये अमल जारी है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, पसंद आपको आना चाहिए। सही बात, क्लाइंट मुतमईन है अपनी चीज से, हम मुतमईन नहीं है, हम बोलते हैं आज हमने एक चीज बनाई है तो दूसरी उससे अच्छी बने। तो इसी तरह हमारे जितने भी जो घर बने हुए होंगे ना, तो आप देखेंगे एक तो डिफरेंस होगा उसके अंदर, एक आई कोई एक जैसा नहीं होगा कि जनाब सेम कोई नहीं होगा कि जनाब ये एक जैसे, जनाब MGM ने जितने भी घर बनाए वो सब एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन सीखने का अमल जारी है, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल है, कह नहीं सकते। हाँ, आखिरी जो घर हम बना रहे होंगे आज की तारीख में, तो मैं बोलूंगा ये शायद सबसे अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कल ये वाले सबसे बेहतर हो सकता है। सीख रहे हैं ना, हम अभी सीख रहे हैं ये काम। अच्छा, माशाल्लाह से मैं अवार्ड रखे हुए देख रहा हूँ आपके पास, काफी एनुअल अवार्ड्स हैं आपके पास। GFS ने आपको काम का मौका दिया, आपने साबित किया अपने आप को, बिल्कुल ऐसा। तो कौन कौन से अवार्ड आपको दे चुका है GFS? हमें देखें, अभी हुए तकरीबन 1.5 साल के करीब, इस साल का बेस्ट कॉन्ट्रेक्टर अवार्ड हमें मिला है, बहुत बड़ी, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड हमें मिला, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, और बेस्ट डीलर अवार्ड भी हमें मिला है, बहुत जबरदस्त, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, क्योंकि हमारा ये पहला साल था, ठीक है, जो अवार्ड सेरेमनी इनकी हुई है। हाँ। थोड़ी इस दफा लेट हुई है वो उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 अवार्ड ये मिले हैं, जबरदस्त। अगर हमारे चैनल के मार्फत आपके पास कोई आए तो उसके लिए मजीद कुछ आप ऑफर करेंगे? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हमारी मुख्तलिफ टाइम पे जो है इस तरह की जो है स्कीम्स चलती रहती हैं। अब आपने जाहिर एक बात कही है, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे। आप जब यहाँ पे आए तो इसका मकसद ये है कि हमारा काम बेस्ट है, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, वरना मुझे नहीं पता ना याद है कि किसी के पास आप ऐसे गए हों जिसका काम में थोड़ी सी 19-20 हो के कंप्लेन हो। तो ये भी हमारे लिए एक समझ लें, एक जिस तरह GFS का एक अवार्ड है, ये भी अवार्ड है कि आप इस वक्त हमारे पास यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया। और अब आपने बात की है कोई आपके रेफरेंस से कोई आता है, तो इंशाल्लाह हमारे पास आपके रेफरेंस से कोई भी आता है तो
10% हम उसको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, ठीक है, चेयर ऑफ आपके कोई भी आएगा इंशाल्लाह हम उसको एक डिस्काउंट ऑफर करते हैं आपके चैनल के थ्रू। बहुत जबरदस्त। सबसे अहम बात यह है व्यूअर्स के, इन्होंने एक जिक्र किया गो के ना समझे कोई तो ना समझे उसकी मर्जी है, सूद, सूद हमारी जड़ों को खोखला कर देती है, हम समझते नहीं है, बहुत सारे मामलों में सूद का इस्तेमाल करते हैं और उसके नुकसान बहुत देर पा होते हैं। तो इन्होंने अपनी इस बात को भी साबित किया कि ये ईमानदार है, अंदर से सच्चे मुसलमान है और मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, ये मेरा अपना मानना है। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मकानात बनवाने के सिलसिले में आप इनसे रब्ता करें। अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे एक दो साल का पीरियड मनान भाई ने बताया उस पर आप इनको जो सहूलत दे सकते हैं, मुझे आप टेबल पर बैठेंगे तो सारी चीज़ें तय हो जाएंगी कि मुझे डिटेल से तो नहीं पता कि क्या तरीक़ेकार होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये होता होगा कि मटेरियल डिसाइड होता होगा, चीज़ें डिसाइड होती होंगी, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड होने के बाद पेपर वर्क होता होगा और उसके बाद जो एक अमाउंट है वो फाइनल होता होगा, उसमें फिर आगे पीछे मेरे ख्याल में नहीं होता, वो उसी अमाउंट के अंदर। एक छोटा सा सवाल और मैं इनसे कर लेता हूँ, मन्नान भाई ड्यूरेशन क्या होता है आपके बनाने का, मकान बनाने का? देखिए ग्राउंड फ्लोर अगर बनता है तो उसके अंदर 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है, डबल स्टोरी में 7 से 8 महीने लगते हैं। ठीक है, ठीक, ये इससे कम हो नहीं सकता, इससे कम नहीं हो सकता। और देखिए कोई भी काम आप करते हैं ना तो उसमें आगे पीछे मस्ट हो जाता है, आप अगर किसी को दावत पे भी बुलवाते हैं तो वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा आगे पीछे हो जाता है। तो ये तमाम बातें अपने जहन में रखिएगा, अगर इन्होंने 4 महीने और 8 महीने कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, इसमें किसी भी वजह से, माहौल की वजह से, हालात की वजह से, मौसम की वजह से, किसी भी वजह से थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो मन्नान भाई आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। मन्नान भाई के नंबर पर रब्ता करें और जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप मेरे मार्फत, मेरे चैनल के मार्फत, डील जबात के मार्फत इनसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये उसमें मज़ीद रियायत करेंगे। मन्नान भाई का काम आपने देख लिया है, मज़ीद हम इंशाल्लाह ताला इनके जो मकानात बने हुए हैं उसको अंदर से भी एक्सप्लोर करेंगे। मन्नान भाई सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह ताला सेहत दे, बहुत शुक्रिया सर, आपका मुलाकात रहेगी आपसे, बहुत शुक्रिया सर। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक आपके जितने भी केयर ऑफ कोई भी आता है तो वो इस स्कीम से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस वक्त ये माहौलियाती तब्दीली है खास कर कराची में, तो हमने नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के लिए एक पैकेज दिया हुआ है कि आप आएँ यहाँ पर, हम पौधे दे रहे हैं फ्री। अच्छा, लोग इस वक्त, लोगों को एहसास नहीं है कि हम अगर पौधे नहीं लगा रहे हैं तो बेसिकली अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। हमने ये अगस्त से सिलसिला किया है, बल्कि हमारे इस पैकेज ये है कि भाई आप इस साल झंडियाँ ना लगाएं, पौधे लगाएं जिसका कुछ फायदा हो, आपकी नस्लों को फायदा हो। तो हमारे ऑफिस से नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के कोई भी जो यहाँ पे रिहायशी हैं वो पौधे हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जबरदस्त मन्नान भाई, बहुत शुक्रिया। मन्नान भाई ने आपको ये ऑफर कर दिए कि पूरे देखने वालों को मेरे या नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज वन में रहने वालों को, मैं तो इनसे पौधे 2-4 लेके जाऊँगा। मुझे ये एक बात पता चल गई है कि मन्नान भाई पौधे देंगे और वो पौधे लगाऊंगा और इंशाल्लाह ताला वो पौधे जो बड़े होंगे वो जब दर बनेंगे तो उसके साय में कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएगा जिसका सिला इनको मिलेगा। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, दिल जबात के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फहानी और मन्नान भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।